मोगा के पिंड घोलियां खुरद डाकघर के काम कर रहे दो मुलाजमान के गोली चलन का मामला सामने आया है। दस दिए कि गोली चलाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। जिस व्यक्ति दे गोली लगी है उसनू रैफर कर दिया गया है तो डॉक्टरों के मुताबिक उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक दसी जा रही है। दस दिए कि इस मामले के मोगा के डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने कोल एक व्यक्ति जो कि डाकखाने काम करता है उन्होंने कोल पहुंचा जिसके दो गोलियां लगिया हुई हैं जिसकी स्थिति नाजुक होने के कारण उसनू DMC लुधियाना विखे रैफर कर दिया गया है। उत्थे पुलिस अधिकारी का कहना है कि अज मोगा के पिंड घोलिया खुरद डाकखाने काम कर रहे मुलाजम जसविंदर सिंह के एक व्यक्ति ने गोली मारी जिसनों मोगा तो बाद लुधियाना रैफर कर दिया गया है। गोली चलाने वाला व्यक्ति राजपाल जिसनों पुलिस वालों गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि मारन वाला व्यक्ति जो उतों भजन लगा तो वह डिग पिया तो मौके पर ही उसनों फड़ लिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस सारे मामले की जाँच कर रही है तो जो भी मामला गया है उसते सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सर मोहतम सिंह है जी। मैं सर ब्रांच पोस्ट मास्टर हाँ। सर अज पता लग गया घोलिया खुरद सर मामले का तो मैं कोई पता नहीं गा। असी ना वैसे अगर 11-12 बजे तक डाका लेके निकल जाने होंने अज मैं डाक लेके भी सदिया निकल गया सी। जो बंदा पिंड वाला पोस्ट मास्टर वही निकल गया मुंडा पोस्टमैन तो उन्हें पता कोई रंज सिंह तो पता नहीं भी पता भी मुलाजम नाल निकल के भी कला बाहू बैठा होगा। एक साड़ी बेचारी कुड़ी टैंपरेरी रखी हुई है वह बैठी सी बाबू जी पुछन लगा भी की काम बैठा है भी काम गाया तो करना वो मारन लगा वो बाबू जी तो उठना उठ के तो वेखना आया तो वह गोली लाती जी वो गड़बड़ हो गई तो उत्थे मैंने फूले वाले मैं जाके पहुंचा सी अपनी ब्रांच के मैं आते गोली चल गई मैं तो क्या कोई लडेरा ना हो जी कोई आया तो वो बाद भजन लगा तो इतने एक्टवा से आया से वह तो पिछे तो बंदे मगर लगे एक्टवा तो गोली घुमा लग गया पिछे रवालवर अपना है ना तो मूहे एक्टवा डिग पी जी ਟੈਕਟਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਰਵਾਰ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਿਸਟਲ ਹਾਂਜੀ ਪਿਸਟਲ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਦਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀ ਬਨੌਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹਰਾ ਜਿਹਾ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਰਾ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੀ ਬਹਿਰੂਪੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਆਇਆ ਸੀ ਉਤੋਂ ਦੀ ਪੈਂਟ ਸ਼ਾਲਟ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ हालत जो मुंडा बजुर्ग अपना मुंडा तो 30-32 साल का ही पोस्टमार्टम सर बहुत वधिया गुड बंदा बेचारा साहब बहादुर दा। हाँ जी हालत सर पहला हम 3 गोलियां जिहड़ियां लगियां पहला मोगे तो दादा जवाब वो कहिंदे लुधियाने लै जाओ उत्थों भी बोलदा चलदा सी तां मेरे बंदे जिहड़े नाल भेजे सी उन्होंने मैनूं आ के दसता जी हाँ कहिंदे ठीक है गलबात करदा गोली एक सर कहिंदे सी इह बांह ते लगी आ इक वक्खी ते इत्थे जी हाँ जी जानू मारन की धमकी इस करके आया सर मारन चक्कर पिंड गेड़े गुड़े दिते कमरे भी आया बंदा वह ठीक है भी इस करके धा के आई बहरूपी का रूप करके हरफल गया उदू बाद जी गोली चली कि चली है कौन सी डाकखाने मुलाजम डाकखाने मुलाजम कि जगह चली छोटे घोली है जी तो की होया सारा वाक जो तुम मौके देखा असं उत्थे बैठा होया घंटा बैठे हो गया पिंड के बंदे उठ के आए थे वो के पुछते ही भी बी कि बैठा इतने फड़िया पानी मंगन गूंगा बन गया कौन गूंगा बन गया वो जरा गोली गोली हाँ जी अच्छा जी उस बाद कहना पानी पिया दो पानी पियाता उस बाद पगा पुग खोले कुछ बन के आए थे मूँह तो बन बन्ने सुने दाड़ी मुछा नकली लाइया गई थी पिस्टल कढ़िया बस ठोकर लग पे अच्छा कोई गलबात नहीं की पूरी किन्ने मारी किन्ने राजपाल है कोई मोगे का पोस्ट ऑफिस उन्हें मारी है हाँ जी बजी कि जसविंदर सर यही घोली है पोस्ट मोर पोस्ट ऑफिस सर मोगा के घोलिया कला के गोली चलने का मामला सामने आया है की मामला इन्हें जी कुछ देर पहलों एक राजपाल सिंह नाँ का व्यक्ति घोलिया खुरद के एक सरकारी डाकखाना वो गया से उत्थे जसविंदर सिंह नाँ का डाकखानिया डाकखाने के काम करता व्यक्ति आ उसके उपर उसने हमला कर दिता अचानक उसके टोटल 3 फायर किए गए हैं राजपाल सिंह वालों उसके 2 गोलियां लगिया ने जी जसविंदर सिंह दे एक गोली उसके बखी में लगी हुई है तो एक खब्बे मोढ़े में लगी हुई है जी उन्होंने इमीजिएटली हॉस्पिटल लै गए मोगा हुण उन्होंने DMC रैफर कर दिता गया आ
ये इस तरह लगता सानू कोई गैंगस्टर वारदात नहीं हैगी, जिदा इन्हें कोई पुरानी दुश्मनी लगती है, क्योंकि दोवां की थोड़ी जी बैकग्राउंड पता की सी। दोवें पोस्टमार्टर ने, पोस्टमास्टर ने जी, ये दोवें जने दोवें नहीं, एक इंपलाई तो ऑलरेडी काम कर रहा जी, जिहड़ा राजपाल आ जिन्हें जाने की गोली चलाई आ, वह भी पोस्टमास्टर का काम करता सीगा, भी उहदी हुण बैकग्राउंड असीं चैक करनी आ। जिहड़ा जसविंदर सिंह आ उहदी बाकी जदों दसूगा सारे का सारा भी की घटना हुई आ, बैठन तो बाद पता लगेगा जी, जदों वह होश आऊगा फिर तुहानूं प्रोपर जानकारी देवांगे। गोली चलाण वाले नूं मौके दे उत्ते डिग पिया सी, एक्टिवा दे उत्ते आया सी, वह फड़िया गया आ जी। फरदर उहदा बयान लिख के केस रजिस्टर किया जाऊगा जी, अगे वो पुछगिछ दौरान जी गल सामने आऊगी तुहानूं जाणू करा दित्ता जाऊगा। उन्होंने DMC रैफर किया, कंडीशन इस टाइम वो स्टेबल आ जी, बाकी DMC असी पार्टी अपनी मूव की हुई है, मगर थोड़ी देर च पता लग जाए। सुनने दे विच है कि भेष वगैरह बदल के आया सीगा जां उत्थे बैठा रहे बिना घंटा डेढ़ घंटा? वो कुछ देर पहले उन्होंने लोगों ने दसिया, पब्लिक नूं पुछिया, उन्होंने कहा भी उत्थे वो बैठा सीगा, उहदे कपड़े भी जिहड़ी ड्रैस पाई हुई सीगी उहदे थल्ले पेंट कमीज सीगी, उपर उहने बाणा टैप कोई चीज़ पाई हुई सीगी, उहदी दाढ़ी जिहड़ी सीगी उह भी उहने ब्लैक लाई हुई सी उपर दी। ये लोगों ने दसिया जी, क्योंकि पुलिस पार्टी मौके पर मौजूद नहीं सी, जदों मैसेज मिलिया इमीजिएटली ही उत्थे पहुँच गई, तो वह बंदे नूं मौके तों फड़ लिया।